केके की मौत से पूरा देश स्तब्ध है। एक लोकप्रिय गायक का सुरों को, धड़कनों को अलविदा कह देना असहनीय है। लेकिन इस घटना से जुड़ा एक दूसरा पहलू केके की मेडिकल कंडीशन यानी उनकी सेहत से जुड़ा हुआ है। केके की अचानक हुई मौत को दिल संबंधी बीमारी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पूरी जानकारी उनकी विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलेगी, पर यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या केके को पहले से ही दिल से जुड़ी कोई परेशानी थी जिसके बारे में उन्हें पता नहीं चला। आज केके की मौत ने युवाओं में हार्ट संबंधी बीमारी को लेकर एक अलर्ट जारी करने का काम किया है। ये केके की मृत्यु का मेडिकल विश्लेषण है जो हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि केके का दिल इस तरह धोखा देगा कि धड़कनें हमेशा हमेशा के लिए थम जाएंगी। केके की अचानक हुई मौत से पैदा हुआ एक सवाल सबको परेशान कर रहा है। आखिर केके को ऐसा क्या हुआ कि उनकी मौत हो गई? स्टेज पर केके जिस तरह परेशानी से जूझ रहे थे, उसे देखकर ज्यादातर एक्सपर्ट इसे हार्ट अटैक से जुड़ा केस मान रहे हैं। इसके पीछे की वजह भी समझिए। बहुत पसीना आना, अचानक बेचैनी और कमजोरी महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत और चक्कर आना जैसे तमाम लक्षण हार्ट अटैक के हैं, और इसमें से ज्यादातर लक्षण केके के साथ नजर आ रहे थे। ना ऐसे मरीजों को कोई डायबिटीज़ की बीमारी है, ना कोई शुगर है, स्मोकिंग की रिस्क फैक्टर हो सकता है, इनको फैमिली हिस्ट्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन फिर भी ऐसे नए कारण क्या आ रहे हैं जिसके कारण हार्ट अटैक बढ़ता चला जा रहा है? हमारी जीवन शैली का संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, आप देखिए, जीवन के अंदर सामान से ज़्यादा सुकून को बटोरना आवश्यक है। आज भी वो भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, आप देखिए सब कार्य करिए लेकिन रिलैक्सेशन के साथ, ईजी रहकर करिए। जब आप वो करेंगे तो ये इनएडवर्टेंट प्रेशर्स हैं, ये कम हो जाएंगे। और मैं आपको साइंटिफिकली बता रहा हूँ कि एंगर, साइकोसोशल स्ट्रेस, ये आज प्रूवन रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट। केके की अचानक हुई मौत ने उन युवाओं को एक अलर्ट दिया है जो हृदय से जुड़ी बीमारियों को लेकर गंभीर नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि देश के बहुत से युवाओं को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उन्हें दिल से संबंधित बीमारी है, और जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। अमेरिकन जर्नल NCBI के अनुसार 2015 तक भारत में 6.2 करोड़ लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी हुई। इसमें से तकरीबन 2.3 करोड़ लोगों की उम्र 40 साल से कम है, यानी 40% अटैक के मरीजों की उम्र 40 साल से कम है। भारत के लिए ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं। डराने वाली बात यह है कि प्री मेच्योर डेथ यानी अकाल मृत्यु के कारणों में 2005 में दिल की बीमारी का स्थान तीसरा था, लेकिन 2016 में दिल की बीमारी अकाल मृत्यु का पहला कारण बन गई। कुछ वर्षों पहले तक अक्सर दिल की बीमारियों को बुजुर्गों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन पिछले एक दशक से देश के युवाओं में दिल से जुड़ी बीमारी के बढ़ते मामले हैरान और परेशान करने वाले हैं। कुछ ऐसे कंडीशंस भी हैं जहां पे कि फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी एरिथमिया होता है, जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एक तरह की बीमारी है जिसमें कि दिल की जो दीवारें हैं वो मोटी होती हैं। वैसे लोग भी कभी कभी आपने देखा होगा कि फुटबॉल मैचेस के दौरान या कोई इस तरह के कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के दौरान ये एरिथमिया हो जाता है। तो इससे बचने का तो यही उपाय है कि अगर फैमिली हिस्ट्री आपकी बहुत पॉजिटिव रही है कॉरनरी आर्टरी डिजीज की, तो आपको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तमाम रिस्क फैक्टर्स, जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज, स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, इसको नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है। गायक केके की मौत ने देश के हर युवा को हिलाकर रख दिया है। दिल को छू लेने वाली एक आवाज का खामोश हो जाना और दिल से जुड़ी बीमारियों के बारे में हैरान करने वाले आंकड़े का सामने आना सबके लिए एक अलार्म जैसा है। दिल से जुड़ी बीमारियों से बचने या डरने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेकर इस खतरे को टाला जा सकता है। वरुण सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो।